हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और विविध धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए मंदिर हमेशा हमारे सांस्कृतिक का एक अभिन्न अंग रहे हैं। अति सुंदर मंदिर जो भव्यता का प्रतीक है, भारतीय शासकों द्वारा प्राचीन काल से ही मंदिरों का निर्माण हो रहा है। प्राचीन मंदिरों के रूप में वास्तु रत्नों का पता चलता है। तो आज ऐसे ही विशेष मंदिर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लिपाक्षी मंदिर। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। आप इस मैप में देख सकते हैं लिपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। इस मंदिर के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार ये शहर आंतरिक रूप से रामायण से जुड़ा हुआ है। जब रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया तो गिद्ध देवता जटायु ने सीता की रक्षा करने की कोशिश की और जटायु को रावण के हाथों हार का सामना करना पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। वहां पहुंचने पर भगवान राम ने जटायु को ले पक्षी कहा, जिसका अर्थ होता है उठो पक्षी, जिसके कारण इस जगह का नाम लिपाक्षी पड़ गया। लिपाक्षी मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जटायु की भी मूर्ति आपको मिल जाएगी और इस मंदिर में पैर के बड़े पंजे का निशान भी है। लिपाक्षी का वीरभद्र मंदिर दो भाइयों वीरुन्ना और वीरुपन्ना द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर वीरभद्र को समर्पित है। यह विजयनगर स्थापत्य शैली का एक उदाहरण है, जो विजयनगर राजाओं के काल लगभग 1336 से 1646 के दौरान बनाया गया था। जैसे ही आप लिपाक्षी मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको एक विशालकाय बैल की प्रतिमा मिलेगी, जिसे एक ग्रेनाइट चट्टान को नक्काशी कर बनाया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। ये नंदी बैल देश की सबसे बड़ी नंदी बैलों में से एक है। बैल की एक अनूठी विशेषता यह है कि उसके सिर की स्थिति पारंपरिक नंदी की तुलना में थोड़े ऊंचे स्तर पर है, लेकिन फिर भी यह उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती, विष्णु और वीरभद्र के मंदिर हैं। इसमें लटकते हुए खंभे, जटिल नक्काशीदार खंभे, अखंड नागलिंग और उत्तम भित्तीय चित्र मंदिर की कई अनूठी विशेषताओं में से एक है। मुख्य मंडप में 100 स्तंभ वाला हॉल अलंकृत स्तंभों का एक शानदार संग्रह प्रदर्शित करता है, जो नृत्य करने वाली महिलाओं, संगीत वाद्य यंत्रों आदि के आंकड़ों के साथ अति सुंदर है। इसके अलावा इन स्तंभों को सुशोभित करने वाले देवताओं, देवियों और अन्य पौराणिक आकृतियों के प्रतीक हैं। मंदिर के बाहरी परिक्षेत्र में भगवान गणेश की एक बड़ी नक्काशीदार मूर्ति है। इसके समीप एक विशालकाय नागलिंग है, जो मूलतः 7 कुंडों वाला एक 3 कुंडलित सर्प है, जो एक राजसी काले ग्रेनाइट लिंग को आश्रय देता हुआ दिखाई देता है। मंदिर की एक मुख्य विशेषता इसके भित्ति चित्र हैं, जो विजयनगर काल के हैं। मुख्य रूप से पौराणिक होने वाले विषयों को दर्शाते हुए इन भित्ति चित्रों में विस्तार का स्तर जो फूल, पत्तों और जैविक रंगों का उपयोग करके बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 52 टन चुंबक का भी प्रयोग हुआ है। इस मंदिर के नाट्य मंडप में 70 खंभे हैं, जो जमीन से आधा इंच ऊपर हैं और इन खंभों पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। सन 1902 में एक अंग्रेज इंजीनियर हैमिल्टन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत आया था, लेकिन हैमिल्टन ने जैसे ही खंभे को लोहे की छड़ से खिसकाने की कोशिश की, उसी समय सारे खंभे अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से हैमिल्टन को अपनी छानबीन छोड़नी पड़ी, जिसके कारण इन खंभों का रहस्य आज भी बना हुआ है। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।